है, फर्स्ट एड कौन देता है, फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। सही तरीके से फर्स्ट एड देने पर हम किसी भी रोगी की आहत की, पीड़ित की, चोटिल की जान को बचा सकते हैं। फर्स्ट एड क्या है ये आपको पता है कि यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, तो रोगी की जान को बचाने के लिए हमें उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा या अस्पताल से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। उस मीन वाइल में जो भी हमारे पास उपलब्ध सामान होगा, जो आसपास सामान होगा, उसी से हमने रोगी की प्राथमिक चिकित्सा करनी है, उसी को हम फर्स्ट एड कह रहे हैं। फर्स्ट एडर कौन है, जिसने सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, जिसको फर्स्ट एड देनी आती है। कई बार गलत फर्स्ट एड देने से आदमी मर जाता है। मान के चलो कि सिर में चोट लगी थी, कान में से खून निकल रहा था और कान में से खून को हमने ऐसे करना था, हमने ऐसे न करके उसको इस प्रकार से कर दिया तो वो इन्फेक्टेड जो खून था वो अंदर चला गया, अंदर गया तो फिर उसके शरीर को नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही सिर में किसी ने लाठी मार दी कि हम दीवार से गिर गए या किसी और से टकरा गए और उसमें से क्या हुआ, नाक से खून निकलने लगा, सिर फूटा नहीं, हेड इंजरी हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, नाक में से खून निकल रहा है। अब आपने नाक को ऊपर कर दिया, तो नाक को जब ऊपर करोगे तो इन्फेक्टेड खून कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। यदि उस समय आप गर्दन को झुका देते हो और जो खून निकल रहा है वो निकलता रहे और अस्पताल लेकर के चले जाते हो तो उसको आराम मिल जाएगा। सिर की चोट है, नाक में लग, नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है। यदि आप सर कहीं पर काम कर रहे हो और काम करते हुए आपको क्या अंग भंग हो गया है, आपका हर हाथ कट गया है, पैर कट गया है, कान कट गया है, मुंह कट गया है, दांत कट गया, कहीं से निकल गया है खून, तो खून का जब बंद करना जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, उसमें से 2/3 भाग जब खून निकल जाता है तो कोमा में चला जाता है, सदमे में चला जाता है। अब वो जब सदमे में चला गया है तो सदमे का इलाज करना होता है हमें। सदमे की पहचान भी हमने आपको बताई थी कि हम उससे बात करके देखते हैं, उससे नाम पूछते हैं, उसके सामने थपकी देते हैं, पैरों की आवाज लगाते हैं, जब कोई रेस्पॉन्स उसका नहीं होता है तो हम क्या कह देते हैं, ये कोमा में चला गया, बेहोश है। अब यदि वो बेहोश है तो हम CPR देते हैं, क्यों CPR नहीं देंगे तो उसकी जान को नहीं बचा पाएंगे। अब CPR हम कैसे देते हैं, CPR देते समय हमने निप्पल लाइन होती है, निप्पल लाइन के बाद स्टेनम होता है, यहाँ पर ये छुप, यहाँ हम प्रेस करते हैं उसको और हाथ को एक